नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान की पिच पर सुधाकर सिंह ने कब्जा कर लिया है? खेलों में और गांव के खेलों में अक्सर ये होता है, पिच कब्जा ही जाती है। राजनीति में भी कई बार हो जाता है टेक ओवर का मामला, यहां भी है। चिराग पासवान जिस पिच पर खेलकर और जिस तरह का खेल खेलकर बिहार की राजनीति में अपना कद बढ़ा रहे थे, अपने वजूद को बड़ा बना रहे थे और अपने अस्तित्व को बरकरार रखा था उन्होंने, तमाम तरह के राजनीतिक मुश्किलों के बावजूद भी और तमाम तरह के राजनीतिक नुकसान के बावजूद भी, क्या सुधाकर सिंह उसी पिच पर खेल रहे हैं और चिराग पासवान से बेहतर खेल खेल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। बिहार की राजनीति के दो युवा चेहरे जो नीतीश विरोध की मुखर आवाज माने जाते रहे, पहले चिराग पासवान और अब सुधाकर सिंह, नीतीश विरोध की मुखर आवाज बन गए हैं। कई मायनों में सुधाकर सिंह ज्यादा आक्रामक हैं, सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। खतरनाक यानी कि उनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान फिर भी विपक्ष का हिस्सा हैं, आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन एनडीए के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष का हिस्सा है। और चिराग पासवान, वैसे भी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच के जो रिश्ते हैं वो 36 के नहीं 72 के हैं। तो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला चिराग पासवान ने, एनडीए में रहते हुए मोर्चा खोला और फिर ये लड़ाई इतनी लंबी चली वो सब जानते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। नीतीश कुमार अगर 43 सीटों पर सिमट गए, उनकी पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई, तो चिराग पासवान इसकी एक वजह माने जाते हैं और जेडीयू भी इसको स्वीकार करती है कि चिराग पासवान ये नुकसान जेडीयू को पहुंचाया है। उसके बाद चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमले करते हैं और चिराग पासवान का कद लगातार बड़ा होता रहा, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी टूटी, उनका परिवार टूटा और चिराग पासवान बिहार के दो उपचुनाव हार गए। बाकी किसी उपचुनाव लड़ने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई, बाकी किसी उपचुनाव में नहीं गए। बिहार में हाल में 3 उपचुनाव हुए, मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी, वहां उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। तो चिराग पासवान बिहार में नीतीश विरोध की सबसे मुखर आवाज माने जाते रहे और इसी बिना पर उन्होंने दावा करना शुरू किया, उनकी पार्टी ने दावा करना शुरू किया कि बिहार में असली विपक्ष की भूमिका में कोई है तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। लेकिन फिर सुधाकर सिंह अवतरित हुए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और सुधाकर सिंह ने कोहराम मचा दिया ये कहकर कि जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं और वो चोरों के सरदार हैं। फिर खबर ये आई कि नीतीश कुमार ने ये जानना चाहा उनसे कि ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया। जाहिर तौर पर बहुत किरकिरी हो रही थी, नीतीश कुमार जिन अधिकारियों को सम्मानित करते हैं मंच पर बुलाकर उन्हीं अधिकारियों पर सवाल उठा रहे थे सुधाकर सिंह। तो सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को जवाब देना जरूरी नहीं समझा, नीतीश कुमार को नेता मानने से इनकार करते रहे और बावजूद इसके कि उनके वो महागठबंधन का हिस्सा हैं, वो आरजेडी के विधायक थे, आरजेडी कोटे से मंत्री थे, नीतीश कुमार पर वो हमलावर रहे, कुर्बानी दे दी मंत्री पद की, मंत्री पद गंवाना पड़ा, तेजस्वी यादव कार्रवाई के संकेत दे रहे हैं, बावजूद सुधाकर सिंह मानने को तैयार नहीं है, सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। तो जो जगह बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की थी, क्या सुधाकर सिंह ने वो जगह हासिल कर ली है? क्या चिराग पासवान के मुकाबले सुधाकर सिंह का कद बड़ा है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ रहते हुए नीतीश कुमार पर हमलावर हैं? जिस गठबंधन के नेता, जिस महागठबंधन के नेता और जिस महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसी महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह, और तब सुधाकर सिंह नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं। तो क्या पीच हथियाली है चिराग पासवान की? इसलिए यह बड़ा सवाल है। सुधाकर सिंह ने चिराग की पीच क्या हथियाली है? बहुत बहुत धन्यवाद।